तीसरा सवाल है नेकी के गरूर से अपने आप को कैसे महफूज रखा जाए ये बड़ा नाजुक काम है स, बड़े गुनाहों में आता है अपने आप को नेक समझना शैतान ने यही किबर किया कि मैंने जितने सजदे किए हैं इतने किसी ने नहीं किए जितना अल्लाह का मैं मुकर्रब हूँ कोई नहीं तो जब गरूर आता है तो वो नेकी पर सबसे ज़्यादा गरूर इंसान को नेकी पर आता है कि वो ये समझता है कि मैं तो कोई ऐब करता ही नहीं हूँ मेरे में कोई खोट ही नहीं है मैं गुनाह मुझसे सरदर्द ही नहीं होते इस किबर में जब वो मुबतला होता है तो वो शैतान से कंधा जोड़ के खड़ा हो जाता है उससे बचने के तीन रास्ते हैं पहला ये कि मौत को कसरत से याद करो मौत का कसरत से याद करना तुम्हें अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में बिठाता है उससे फिर तुम किबर से भागते हो दूसरा किसी को अपना बड़ा बना लेना जो शख्स किसी का बैत हो जाता है इसका मतलब यह है कि वो किबर से निकल जाता है वो इसने ये तस्लीम कर लिया होता है कि ये मुझसे बड़ा है चौथा अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाते हुए अल्लाह के हबीब अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक मैं दिल में सत्तर बार अस्तवार करता हूँ अरब का आबादा जब सत्तर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें उसका मतलब होता है अनगिनत तो अनगिनत मरतबा अल्लाह से दिल में माफ़ी जो है वो मांगी जाए उसको दोहराया जाए और चौथा ये है जब ग़लती हो जब ग़लती हो उसे फ़ौरन तस्लीम कर लिया जाए उसे फ़ौर तस्लिम कर लिया जाए और आयत क़रीमे को पकड़ लिया जाए ला इन्नी जा ला ला अंत सुबहान कामिनमी कि जाला बेशक मैं ही जालमों में से हूँ तो पाक और बे बेब है तो जब आदमी अपने आप को जालमों में शुमार कर लेगा तो नेकी का गरूर उसके ज़िम्मे नहीं रहेगा वो इन शहफूज हो जाएगा फिर ये बात समझ ले कि मैं कोई ऐसा शख्स नहीं हूँ जो बुराई नहीं कर सकता जैसे दीगर पूरी दुनिया है मैं भी उनमें से एक हूँ अपने आप को कभी ख़ास बनाने की कोशिश ना करें और ख़ास ना समझे तो इन वो नेकी के गरूर से आज़ाद हो जाएगा छोटे से छोटा शख्स भी कोई अच्छाई कर सकता है कोई बड़ाई का काम कर सकता है कोई अच्छा काम कर सकता है इसलिए कभी भी ना ये सोचें कि नेकी सिर्फ मेरा हिस्सा है जिसको अल्लाह तौफीक दे क्योंकि हिदायत और तौफीक अल्लाह ने अपने हिस्से में रखी हुई है